चलिए समझते हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण की जो परिभाषा होती है वो है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उसे कहेंगे पूरक कोण। तो चलिए परिभाषा इसकी बता देता हूं मैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं, या पूरक कोण की परिभाषा लिखते हैं। पूरक कोण की परिभाषा है कि ऐसे ऐसे दो कोण जिनका जिनका योग 90 डिग्री हो। 90 डिग्री अगर दो कोणों का योग आ रहा है तो उसे कहेंगे पूरक कोण। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उन्हें पूरक कोण कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो देखो एग्जाम के अंदर इसका जो क्वेश्चन है वो कैसे आता है कि जैसे मान लो आपको पूछ लिया कि 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए, 30 डिग्री का पूरक कोण। कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं अक्सर ये क्वेश्चंस कि 30 डिग्री का पूरक कोण निम्नलिखित में से है, सब ऑप्शन आएंगे ए बी सी और डी। तो 30 डिग्री का जो पूरक कोण है वो हो जाएगा हमारा कितना, 60 डिग्री। और कैसे निकाला ये आपको देखिए, परिभाषा अगर दिमाग में है तो इजीली निकाल सकते हैं। परिभाषा क्या है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री का पूरक कोण आपको पूछा है तो आप क्या करेंगे, 90 में से 30 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 60 डिग्री। यानी 30 डिग्री, देखिए 30 और प्लस 60 इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 90 डिग्री। यानी कोई भी कोण आपको पूछे, अगर पूरक कोण पूछे तो आपको क्या करना है, 90 में से उस संख्या को घटा दो तो सामने वाला कोण आपको मिल जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आपको पूछ लिया मान लो 50 डिग्री का पूरक कोण, 50 डिग्री का पूरक कोण, तो 50 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा, इजीली आप निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 90 डिग्री में से 50 डिग्री को घटा दो तो यहाँ पे 90 में से 50 क्या क्या बचा, 40। यानी कि 50 डिग्री का जो पूरक कोण है वो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, 90 में से जिसका पूरक कोण पूछा है उसको घटा दो तो आ जाएगा आपको पूरक कोण।